हेलो एवरीवन, टेक विद सैम में फिर से आपका स्वागत है। आज का जो हमारा थंबनेल है वो है हाउ टू स्टॉप ऑटोमेटिकली शट डाउन प्रॉब्लम। ओके, तो आपका सिस्टम शट डाउन हो रहा है ऑटोमेटिकली, क्यों हो रहा है मुझे भी पता नहीं। ओके, ऐसा नहीं हो सकता, वीडियो इसलिए देख रहे हो आप। तो ये देखो, थंबनेल तो बहुत अच्छा डाला है मैंने कि जिसका आग ही चला जा चुका है। ओके, तो देखो उसका आग जा चुका है, गुस्से से बहुत ही यश हो चुका है वो। ओके, एंगर आ चुका है उसको। तो देख लेते हैं ये विंडोज़ हमारा शट डाउन क्यों हो रहा है ऑटोमेटिकली। तो सबसे पहले मेन रीज़न विद प्रूफ क्या है, ये देखो मैंने क्या ओपन किया है, इवेंट व्यूअर ओपन किया है। तो उसमें आप चेक कर सकते हो उसके लॉग्स। जो मेन रीज़न है ये देखो, द लाइसेंस पीरियड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ विंडोज़ हैज़ एक्सपायर। मतलब आपका विंडोज़ आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि लाइसेंस उसका एक्सपायर हो चुका है। तो सबसे मेन जो रीज़न है वो है एक्टिवेट द विंडोज़, विंडोज़ को एक्टिवेट करो। और जो नेक्स्ट इसका रीज़न है ये देखो, हमको लगता है कि हमारा विंडोज़ शट डाउन हुआ है, लेकिन वो शट डाउन नहीं हुआ, वो स्लीप में जा चुका है। ओके, तो मैं चाहता हूँ स्लीप ऑप्शन को और चेंज कर लेता हूँ। जैसे कि मैं जाता हूँ सेटिंग में, सेटिंग में, ओके सेटिंग में जाना है आपको, सिस्टम्स, सिस्टम में जाना है कहाँ पे, पावर एंड स्लीप। ओके, ये देखो ये मैंने सब कुछ बढ़ाया है, लेकिन आपके इधर क्या हो सकता है, 1 मिनट रखा होगा आपने या फिर 1 1 मिनट, तो ये आपका स्लीप हुआ होगा। ओके, लाइट्स बंद, सब कुछ बंद, तो आपको लगा होगा कि कंप्यूटर शट डाउन हुआ है। तो सिंपली आप इसका टाइमर बढ़ा सकते हो। ओके, या फिर नेवर कर दो, देखो नेवर कर दो सिंपली। या फिर आप क्या कर सकते हो, एडिशनल पावर सेटिंग में जा सकते हो और आपको यहाँ पे देखना है, चूज़ व्हाट क्लोजिंग द लीड। तो ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको अगर मैं मेरा जो शट डाउन का बटन डालता हूँ तो शट डाउन ही होता है, लेकिन आप डालते हो तो क्या होता है, आपका स्लीप होता है। ओके, ये देखो अगर आप डालते हो तो आपका सिस्टम स्लीप हो जाएगा। तो आपको इसको चेंज करना है, इसको करो शट डाउन या फिर डू नथिंग मत करो, शट डाउन अच्छा रहेगा। ओके, स्लीप से हटा के, और ये देखो व्हेन आई प्रेस द स्लीप बटन, किस किस सिस्टम में आपको मिलेगा स्लीप का बटन, होगा तो स्लीप कर दो, कोई इशू नहीं है। और ये देखो जब आप जो है ना लैपटॉप की जो लीड है उसको अगर आप बंद कर देते हो तब भी इधर होता है क्या, स्लीप या फिर शट डाउन। ओके, तो इसको करो क्या, डू नथिंग, और यहाँ पे भी करो डू नथिंग और सेव चेंजेस। ओके, तो ये मेन रीज़न थे जिसकी वजह से आपको लग रहा है आपका सिस्टम हो रहा है शट डाउन ऑटोमेटिकली। ओके, और जैसे कि और भी क्या है ट्रबल शेडिंग हम देख लेते हैं। हाँ, सब थोड़ी बातें होंगे मेरे को, देख लेता हूँ मैं भी क्या क्या है ट्रबल शेडिंग। ओके, ये देखो अभी इतने तो हो चुके हैं, अभी दूसरा एक है शट डाउन सिस्टम थ्रू कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, तो कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी आप इसको शट डाउन कर सकते हो। जैसे कि मैं करूँगा तो बंद ही हो जाएगा, कमांड दिखा रहा हूँ, विंडोज़ आर किया CMD। ओके, आपको बोनस दे रहा हूँ, ओके शेयर मार्केट में मिलता है वैसा। ओके ओके, तो देखो बोनस ये है कि शट डाउन -S कर दोगे तो शट डाउन हो जाएगा। ये देखो, नहीं मुझे तो नहीं करना है, बंद करना पड़ेगा नहीं तो हो जाएगा शट डाउन, लेक्चर आपका जो ले रहा हूँ वो भी ख़त्म हो जाएगा। यस, शट डाउन कैंसिल भी हो गया, एक कमांड आप देख सकते हो। और दूसरा, अगर ये जो फाइल है ये किसी ने बैच स्क्रिप्ट में डाली होगी और इस फाइल को कहाँ पे रखा होगा। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ, विंडोज़ ई कर दो, सी कर दो, सी के बाद इधर प्रोग्राम डेटा होगा, प्रोग्राम डेटा नहीं आ रहा होगा तो ओके इसको ये कर दो, हाइड आइटम्स अनहाइड कर दो। और देखो प्रोग्राम डेटा में जाओ, उसके बाद पाथ बहुत बड़ा है, माइक्रोसॉफ्ट ही, हाँ माइक्रोसॉफ्ट ही है। उसके बाद है स्टार्ट मेनू होगा क्या, यस, या फिर स्टार्ट मेनू नहीं, विंडोज़ में जाओ, विंडोज़, उसके बाद स्टार्ट मेनू, स्टार्ट मेनू कहाँ है भाई, यस स्टार्ट मेनू, और प्रोग्राम्स, और बहुत सारे एप्लीकेशन है। ये देखो स्टार्टअप, तो यहाँ पे किसी ने स्क्रिप्ट डाली होगी। और एक और मैं आपको दिखा देता हूँ क्या रीज़न हो सकता है,
तो ये देखो रिस्टार्ट लॉग ऑफ, और टाइमर का भी है, टाइम के थ्रू भी आप इसको कर पाओगे। ये देखो शट डाउन सिस्टम ऑन पर्टिकुलर टाइम, चेक ऑन स्टार्टअप फोल्डर और टास्क शेड्यूलर। ओके तो ये है हमारा स्टार्टअप फोल्डर, और अगर किसी ने टाइमिंग डाला होगा 100 सेकंड का, ओके ऐसा ऐसी स्क्रिप्ट बनाई होगी, तो आपका सिस्टम पर्टिकुलर टाइम में शट डाउन हो रहा होगा इस स्क्रिप्ट की वजह से। ओके और कुछ भी रीज़न नहीं एक्चुअल में कि सिस्टम क्यों शट डाउन हो रहा है, बस यही रीज़न है जो मैंने आपको अभी बताया है। तो शट डाउन हाइपनेस बैच स्क्रिप्ट की होगी, उस स्क्रिप्ट को आप चेक भी कर सकते हो, जैसे कि मैं आपके लिए एक स्क्रिप्ट बना देता हूँ, कोई इशू नहीं है, बना लेते हैं सिंपली आपके लिए स्क्रिप्ट एक, जैसे कि शट डाउन। ओके और रीनेम भी कर लेता हूँ मैं इसको BAT, ये देखो, और इसके बाद इसमें एडिट कर देता हूँ, और कॉफ़ी पेस्ट ही करना है हमको। ये देखो 100 सेकंड, ये 100 मतलब 100 सेकंड है, 100 सेकंड में बंद हो जाएगा सिस्टम मेरा। ओके और इसको किसी ने क्या किया होगा, इस फाइल को कट करके डाला होगा स्टार्टअप फोल्डर में। ओके तो ये देखो यहाँ पे जो भी फाइल होती है वो रन होती है ऑटोमेटिकली व्हेन सिस्टम, आप जब स्टार्ट करते हो मतलब रिस्टार्ट करते हो तब ये फाइल रन होती है, और जब ये फाइल रन होती है आप बोलते होंगे 1 मिनट के बाद मेरा सिस्टम शट डाउन हो रहा है, तो इस फाइल को कर दो डिलीट, बस सिंपल यही है ऑप्शन कि जिससे कि आपका जो इश्यू है वो सॉल्व हो सकता है। ओके और मेन जो मैं आपको बताऊँ, मेन जो रीज़न होता है ये यही होता है चेंज स्लीप ऑप्शन। ओके और दूसरा होता है एक्टिवेट विंडोज़। ओके तो ये कर लो, आपको कोई इशू नहीं आएगा। ओके अगर आप फिर भी इशू आते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हो, और ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहना मेरे साथ, फिर मिलेंगे टेक विद सैम के साथ। तो चलो बाय बाय, थैंक यू।